सुस्वागतम छात्राः, आज हम पाठ पाँच महात्मा गांधी पढ़ेंगे। देखिए, एक एक शब्द का अर्थ अलग अलग समझिए। महात्मा गांधी अस्माकम हमारे राष्ट्रपिता अस्ति हैं। एतस्य जन्म महापुरुषस्य जन्म, इस महापुरुष का जन्म गुजरात राज्य के पोरबंदर नाम के नगर में 1869 ईस्वी में अक्टूबर मास के 2 तारीख को हुआ, द्विदिनांक के। अस्य पिता करमचंद गांधी, इनके पिता करमचंद गांधी थे और माता पुतलीबाई थी। एतस्य पूर्ण नाम, इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी महोदय की प्राथमिकी शिक्षा गुजरात राज्य में ही अभवत हुई। तदनंतरम उसके पश्चात वह वित्तशास्त्रम पठितुम, कानून की शास्त्र की पढ़ाई के लिए आंग्लदेशम गतवान, अंग्रेज देश यानी इंग्लैंड चले गए। शिक्षा को समाप्त कर वह स्वदेशम आगतवान, अपने देश आ गए। ततः अफ्रीका देश जाकर तत्र वहाँ रंगभेद नीति का विरोध करके सफलता प्राप्त किया। स्वदेश आकर महात्मा गांधी आंग्ल शासनम विरुद्ध, अंग्रेज शासन के विरोध करके आंदोलन का नेतृत्व किया। देश के करोड़ों लोग तम अनुसृतवंता, उनका अनुसरण किए। अंग्रेज शासक उन्हें बहुबारम कारागारम जेल प्रेषितवंता भेजा। तथापि देश से स्वतंत्रता करते, फिर भी देश की स्वतंत्रता के लिए सबके साथ मिलकर उन्होंने अहिंसक आंदोलन चालितवान चलाया। तस्य नेतृत्वेन, उनके नेतृत्व में अस्माकम देश, हमारा देश 1947 ईस्वी के अगस्त मास की 15 दिनांक के स्वतंत्र हो गया। गांधी महोदय की समाज सेवा और मानव सेवा अनुपमा आसीत, अनुपम जिसकी कोई उपमा नहीं है, दूसरा कोई उदाहरण नहीं थी। स्वतंत्रता संग्राम में सत्य और अहिंसा ये अस्य इनके दो अस्त्र आस्तान थे। ऐसा यह महात्मा न केवल हमारे लिए अपितु संपूर्ण विश्व के लिए अनुकरणीय और वंदनीय है। सब संग्रह में कठिन शब्दों को चिन्हित किया गया है, इन्हें शब्द के साथ इनके अर्थों को भी याद करें, आगे काम आएंगे, जिससे आपका शब्दकोश बढ़ेगा और आगे सुविधा मिलेगी। अब यहाँ संधि विच्छेद करके दिखाया है, सब विधि शास्त्रम सह प्लस विधि शास्त्रम विसर्ग संधि एव अभवत दीर्घ संधि, स्वदेशम आगतवान विसर्ग संधि, स्वतंत्र अभवत विसर्ग संधि, चेति च इति गुण संधि, चास्ति दीर्घ संधि। अब यहाँ पर अक्तवत प्रत्यय जैसे आप लगाएंगे इसे, तो गम का गतवान गया, आगतवान आया, हतवान मारा या ले गए, अपहृतवान हरण कर लिया, जीत धातु का जीतवान विजितवान, क्री धातु करना कृतवान अपकृतवान। अभ्यास पे आ जाइए, संस्कृत में उत्तर दें। अस्माकम पिता कः आसीत्, तो अस्माकम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अस्ति। गांधी महोदय से प्रारंभिक शिक्षा कुत्र अभवत, कुत्र की जगह पर खाली प्रयोग करेंगे, बाकी सब
क्वेश्चन ही उतारेंगे, प्रश्न ही महोदय गांधी महोदय से प्रारंभ की शिक्षा गुर्जर राज्य अभवत। गांधी अफ्रीका देशे कस विरोधम कृतवान, तो यहाँ कस की जगह पर प्रयोग करेंगे रंग भेद नीते विरोधम कृतवान। गांधी स्वदेशे किम विरुद्ध आंदोलन कृतवान, तो गांधी स्वदेशे आंग्ल शासनम विरुद्ध आंदोलन कृतवान। गांधी महोदय से दो अस्त्रे के स्तः, तो गांधी महोदय से दो अस्त्रे सत्यम अहिंसा च स्तः। संधि करें, प्रश्न नंबर दो, च प्लस इति चेति गुण संधि, च प्लस अस्ति चास्ति दीर्घ संधि, स्वतंत्र अभवत स्वतंत्रो अभवत विसर्ग संधि, महात्मा महात्मा दीर्घ संधि, स्वदेशम आगतवान स्वदेशम आगतवान स्वदेशम आगतवान, ये विसर्ग संधि। अभी उपसर्ग लगा रहे हैं, उपसर्ग 22 होते हैं, वैसे आपके यहाँ प्रयोग में है अनु आ पर उप आ, तो इसलिए इनमें विसर्ग कौन कौन से हुए, आ गम धातु आगतः, परा जित धातु जितः, उप देशः उपदेश, आ उपसर्ग गच्छति, विज्ञानम भी ज्ञानम विशिष्ट ज्ञानम, निर्देशानुसार सदरूप लिखें पितृ द्वितीया विभक्ति, द्वितीया विभक्ति पितरम शब्द है, पितरम पितरौ पितृन, शिक्षा का षष्ठी विभक्ति हो जाएगा शिक्षाया शिक्षयोः शिक्षानाम, मातृशब्द का सप्तमी विभक्ति मातरि मात्रोः मातृषु, और दात्री का दात्रे चतुर्थी विभक्ति दातृभ्याम दातृभ्या। प्रश्न नंबर 5, धातु रूप लिखे निर्देशानुसार, भू का लंग लकार प्रथम पुरुष, अभवत अभवताम अभवन, नम धातु लोट लकार मध्यम पुरुष, नम नमतम नमत, पट धातु लृट लकार उत्तम पुरुष, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः, आगम धातु लट लकार मध्यम पुरुष, आगच्छ आगच्छता आगच्छतम आगच्छत। प्रश्न नंबर 6, क्रियाओं वाक्यों में क्रियाओं को शुद्ध करें, अहम सुखम न अनुभवामि अहम आमि, अहिंसा मान गांधी महोदय से अस्त्रम आसीत, अहिंसा एक ही शब्द प्रयोग किया गया है इसलिए इसके साथ में एक वचन लगेगा आसीत, भारतीय गांधी महोदयम नमन्ति, नमतु है तो आज्ञा लोट लकार में है तो नमन्तु हो जाएगा यहाँ पर, गांधी महोदयम नमन्तु, ग्रीष्म काले वयम गुर्जर राज्यम गमिष्यामः। संस्कृत में अनुवाद करें, प्रश्न नंबर 7, गांधी विधिशास्त्र पढ़ने विदेश गए, गांधी विधिशास्त्रम पठितुम विदेशम गतवान, हम गांधी जी की आत्मकथा पढ़ें, वयम गांधिनः आत्मकथां वयम एम पढ़ना चाहिए पठेम, सत्य और अहिंसा गांधी जी के दो अस्त्र थे, सत्य अहिंसा च गांधिनः द्वे अस्त्रे आस्ताम, हमारा देश अब स्वतंत्र है, अस्माकं देशः अधुना स्वतंत्रः अस्ति, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, महात्मा गांधी हमारे अस्माकं राष्ट्रपिता अस्ति, गांधी जी का जन्म गुर्जर राज्य में हुआ तो गांधी जी का गांधिनः जन्म गुर्जर राज्य अभवत, वे संसार सारे संसार के लिए वंदनीय हैं, तो सह
संसाराय वंदनीय अस्ति। अब इसका हिंदी रूपांतरण आपका इसमें दिया गया है, आप यहाँ से पढ़ करके जो भी आपने गांधी जी के बारे में पढ़ा है उसका अक्षरशः अनुवाद यहाँ किया गया है, इसकी सहायता ले सकते हैं। शब्द संग्रह है और अभ्यास है। थैंक यू।